गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर द रैट ट्रैप। ठीक है, कल मैंने बताया था कि वैले ने उसे नहला दिया था। ठीक है, और वो उस आयरन मास्टर के द्वारा दिए हुए सूट वगैरह पहन करके अच्छा लग रहा था। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, यद्यपि उसका जो गेस्ट था यानी जो पेडलर था इतना अच्छे से सजा संवरा हुआ था, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। लेकिन आयरन मास्टर इस बात को देख करके, अपने गेस्ट को इतना हैंडसम देख करके खुश नहीं हुआ, इतना ग्रूम्ड देख करके भी खुश नहीं हुआ। ही लुक्ड एट हिम विद पकर्ड ब्रो, यानी एंग्रीली उसने उसकी ओर देखा, भौहें चढ़ा करके पेडलर की ओर देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट वैन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक। अब ये चीज़ ईजी थी समझने के लिए कि जब उसने उस फेलो को देखा था अनसर्टेन रिफ्लेक्शन में, आयरन मिल में, ही माइट हैव मेड अ मिस्टेक, तब उसने क्या की थी, जरूर कोई ना कोई गलती की होगी। बट दैट नाव वैन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, कि अब जब वो आदमी जो है डे लाइट में उसके सामने खड़ा हुआ है, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वेंटेंस, अब उसे गलती से अपना अक्वेंटेंस समझना, अब पैडलर को अपना ओल्ड अक्वेंटेंस समझने की गलती नहीं कर सकता। ठीक है, ये इम्पॉसिबल है आयरन मास्टर के लिए। इट मीन्स नाउ ही हैज़ अंडरस्टूड दैट द मैन इज़ नॉट माई फ्रेंड, कि आदमी मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरा ओल्ड अक्वेंटेंस नहीं है। तो आयरन मास्टर क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, सुशीला, वॉट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, जोर से चिल्लाया, गरजा एकदम से, क्या मतलब है ये। द स्ट्रेंजर मेड नो अटैम्प्ट टू डिसिमुलेट, स्ट्रेंजर ने भी डिसिमुलेट करने का कोई भी अटैम्प्ट, डिसिमुलेट मीन्स प्रिटेंड करना, यानी स्ट्रेंजर ने कोई भी प्रिटेंड करने का अटैम्प्ट नहीं किया। ही सॉ एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, उसने तुरंत देख लिया कि लग्जरी चीज़ों का अब क्या हो गया है, अंत हो गया है। ठीक है, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सैड, पेडलर ने कहा कि सर ये मेरा फॉल्ट नहीं है, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनी थिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने कुछ भी बनने की कोशिश नहीं की सिवाय और सिवाय एक पुअर ट्रेडर के। एंड आई प्लीडेड एंड बैग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, मैंने तो सिर्फ रिक्वेस्ट की थी और निवेदन किया था कि मुझे फॉर्ज में स्टे करने की परमिशन दे दी जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, बुरे से बुरा ये होगा कि मैं फिर से अपने फटे कपड़ों को पहन लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा। ठीक है, वेल सेड द आयरन मास्टर हैजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए आयरन मास्टर ने कहा, इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, ये बिल्कुल भी ईमानदारी की चीज़ नहीं है, ईमानदारी का काम नहीं है। ठीक है, यू मस्ट एडमिट दैट एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज, और मैं भी सरप्राइज नहीं होऊंगा इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, यानी मुझे इस बात पर कोई भी सरप्राइज नहीं होगा अगर इस मैटर में शेरिफ कुछ भी कहता है। तो शेरिफ होता है बेटा ऑफिसर, ठीक है, पुलिस ऑफिसर कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। यानी वो ये कह रहा था कि अगर मैटर को शेरिफ तक पहुँचा दिया ना तो भी मुझे इस बात को लेकर कोई सरप्राइज नहीं होगा। द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड, ट्रैम्प ने जो है आगे की ओर कदम बढ़ाया, एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और अपनी फिस्ट से टेबल पर स्ट्रक किया यानी प्रहार किया, यानी जब कोई व्यक्ति गुस्से में आकर के कोई घूंसा वूंसा मारता है टेबल पर, इस तरीके से ही ट्रैम्प ने किया। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सैड, उसने कहा कि आयरन मास्टर अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि चीज़ें कैसे होती हैं। दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, ये पूरी की पूरी दुनिया कुछ नहीं है सिवाय सिवाय चूहे दाने के। ठीक है, ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंट्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें जो आपको ऑफर की जाती हैं ये कुछ भी नहीं है सिवाय चीज रिंट्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क के। बिट्स ऑफ पोर्क होता है सुअर का मांस। ठीक है, सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, यानी ये सारी की सारी अच्छी अच्छी चीज़ें चीज़ के रूप में या रिंट्स के रूप में या सुअर के मांस के रूप में इस तरह से ऑफ़र की जाती हैं, ये किसी भी गरीब व्यक्ति को जाल में फंसाने के लिए की जाती हैं। सेट आउट टू ड्रैग अ पुअर फेलो, यानी किसी भी पुअर फेलो को खींच
खींचने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए की जाती हैं, ठीक है, इनटू ट्रबल। और वो आदमी क्या हो जाता है, फिर ट्रबल में फंस जाता है जैसे इन चीज़ों की ओर वो आकर्षित होता है, ठीक है। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और हाँ आप बात कर रहे थे ना शेरिफ की, अगर शेरिफ भी आता है ना, अगर पुलिस ऑफिसर आ जाता है एंड लॉक्स मी अप और मुझे इस चीज़ की वजह से वो लॉक कर देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेम्बर, तो मिस्टर आयरन मास्टर आप भी याद रखना, दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोर्क, जब खुद आप भी किसी बड़े पोर्क के पीस के लिए क्या हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और फिर आप भी इसमें क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, अंडरस्टूड। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, अच्छा हंसने लगा, हंसने क्यों लगा, समझ रहे हैं कि एक्चुअली वो आदमी गरीब सा है, जब गरीब सा आदमी किसी इतने बड़े पैसे वाले के सामने इस तरह की फिलोसॉफिकल बातें करता है तो जनरली कोई भी पैसे वाला रिच आदमी इस तरह के व्यक्ति का क्या करता है, मजाक बनाता है। तो ऐसे ही आयरन मास्टर जो उसकी फिलोसॉफी को देख करके हंसने लग गया। इसमें मैं एक हल्का सा रेफरेंस देने वाला हूँ, मैं देना चाहता हूँ अगर आपको समझ आए, जैसे आपको याद होगा थोड़ा सा कहीं पढ़ा होगा, जब हनुमान जी जो है कहाँ गए थे, लंका में गए थे, और उन्होंने रावण को समझाने की कोशिश की थी कि ना ऐसा मत कर, तू सीता जी को वापस दे दे तेरे को रघुनायक माफ़ कर देंगे रघुनाथ जी, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं मानी, और वो हनुमान जी का क्या करने लगा, मजाक बनाने लगा, कह रहा है कि देखो ये मूर्ख हमें ज्ञान देने आया है, बंदर हमें ज्ञान देने आया है। तो ऐसे ही इसी तरीके से जो है आयरन मास्टर जो है उस पैडलर की बातों पर हंसने लग गया, ठीक है, खैर चलो कोई नहीं। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई गुड फेलो, खैर माई फेलो आपने कुछ भी बुरा नहीं कहा, पर हैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, खैर क्रिसमस के इस पवित्र सी अकेजन पर शेरिफ के मैटर को तो, शेरिफ की बात को तो हमें छोड़ ही देना चाहिए, शेरिफ को तो हमें बुलाना ही नहीं चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब यहाँ से आप क्या हो जाओ, दफा हो जाओ जितना जल्दी हो सके उतना, ठीक है। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो आदमी पैडलर दरवाज़ा खोल रहा था, द डॉटर सैड आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे, अरे कम से कम मुझे लगता है कि इस आदमी को हमारे साथ आज रुकना चाहिए, आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से चला जाए। एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर, वो गई और उसने दरवाजे को क्या कर दिया, बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, जैसे ही उसने घर के दरवाजे को बंद किया और उसने सपोर्ट किया उस पेडलर को अपने घर में रोकने के लिए, तो उसके फादर ने कहा, वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, आप इस घर में क्या कर रहे हो बेटा। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, वो लड़की जो है बड़ी ही एम्बेरस हो गई, ठीक है, एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और उसके पास अपने फादर को देने के लिए कोई आंसर भी नहीं था कि अब वो क्या आंसर दे, क्योंकि फादर उसको भगा रहा है और लड़की उसे क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है और जाने नहीं दे रही है। दैट मॉर्निंग एज सी हैड फेल्ट सो हैप्पी वैन सी थाट हाउ होम लाइक एंड क्रिसमस ही सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, यानी जब उस पुअर हंग्री से अभागे से व्यक्ति के लिए इस तरह के घर जैसी चीज़ें और घर के जैसा माहौल उसको प्रोवाइड कर रही थी, तो बड़ी ही खुश हो रही थी वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा हैप्पीएस्ट फील कर रही थी अपने आप को वो, ठीक है। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, यानी she could not get away from the idea all at once and that was why she had interceded for the vagabond, यानी वो जो आइडिया था ना कि किस तरीके से मैं इस पुअर वेगाबॉन्ड के लिए घर जैसा माहौल प्रकट कर रही हूँ, इसी की वजह से वो हैप्पी हो गई थी, इसी की वजह से हैप्पी होने की वजह से ही उसने क्या किया था, उस वेगाबॉन्ड को इंटरसीड किया था, इंटरसीड का मतलब था इंटरवीन करना, ठीक है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर सेड द यंग गर्ल, ये यंग गर्ल कौन है, एडला विल मेंशन है, ठीक, मैं ना स्ट्रेंजर के बारे में यहाँ सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, साल भर इधर से उधर भटकता रहता है, एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट अ सिंगल प्लेस इन द वर्ल्ड इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम, और इस कंट्री के अंदर कोई एक सिंगल घर ऐसा नहीं है जहाँ इसका क्या किया जाए, वेलकम किया जाए, एंड कैन फील एट होम, और वहाँ पर वो घर जैसा फील कर सके। वेयर एवर ही टर्न्स ही चेस्ड अवे, जहाँ भी ये जाता है ना इसका पीछा किया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, हमेशा
ये डरता रहता है अरेस्ट होने की वजह से एंड क्रॉस एग्जामिन्ड और क्रॉस क्वेश्चन पूछने की वजह से। आई शुड लाइक टू हैव हिम एन्जॉय अ डे ऑफ पीस विद अस हियर। मैं चाहती हूँ उसको एन्जॉय कराना अपने साथ में, कम से कम एक दिन तो वो शांति से हमारे घर पर गुजारे, जस्ट वन इन द होल ईयर, कम से कम बस एक दिन पूरी साल में, ठीक है। इसीलिए वो उसको सपोर्ट कर रही थी। थीम रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर, जो मैंने थीम में बताया था, ठीक है। गुडनेस इन अ मैन कैन बी अवेकंड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जानबूझ करके उसे पता था कि अदर द मैन हैज एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन और ही इज अ थीफ, स्टिल सी इज सपोर्टिंग हिम, ठीक है। तो आगे देखिए, द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन इज बियर्ड। आयरन मास्टर जो है अपनी दाढ़ी में कुछ बड़बड़ाने लगा था, ठीक है, बड़बड़ा रहा था। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। अब वो अपनी डॉटर का अपोज नहीं कर सका था। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। अब वो लड़की जो कंटिन्यू कर रही है अपने फादर से, कह रही है कि हाँ ये मिस्टेक थी, मानते हैं, बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज अवे अ ह्यूमन बींग हुम वी हैव आस्ट टू कम हियर। हमें नहीं लगता कि इस तरीके से जिस व्यक्ति को हमने यहाँ आने के लिए कहा है उसे घर से हमें भगा देना चाहिए। एंड टू हुम वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, और एटलीस्ट कम से कम ऐसे व्यक्ति को जिसको हमने क्या किया था, क्रिसमस की चीयर करने का प्रॉमिस किया था, हमें इस तरीके से नहीं भगाना चाहिए, ठीक है। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन। अरे आप तो किसी पादरी से भी ज़्यादा बेकार लेक्चर दे रही हो। PARSON, पार्सन का मतलब होता है क्लर्जी, ठीक है, फादर कह सकते हैं, बिशप कह सकते हैं, ठीक है। सैड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा, आई ओनली होप यू वॉन्ट हैव टू रिग्रेट दिस। मैं तो बस यही होप कर रहा था कि आपको अगर मैं इसे भगा दूंगा ना तो कोई रिग्रेट नहीं होगा। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाई द हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल। यंग गर्ल ने टुक द स्ट्रेंजर बाई द हैंड, उसका हाथ पकड़ करके उसे ले आई, एंड कहाँ तक ले गई, उसे डाइनिंग टेबल तक ले गई। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सैट, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन। यानी अब उसने उससे कहा कि बैठ जाइए और खाना खाइए, और उसे ये भी पता चल चुका था कि उसके फादर ने क्या कर ली, हार मान ली है। गिवन इन का मतलब हार मान लेना, ठीक है, यानी कि अब वो ज़्यादा अपनी डॉटर को फोर्स नहीं कर रहा था उस आदमी को भगाने के लिए, ठीक है। द मैन विद द रैट ट्रैप सैड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड द मैन विद द रैट ट्रैप सैड नॉट अ वर्ड, यानी सूएदानी वाले उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा। ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, वो चुपचाप से बैठा हुआ था और खाना खा रहा था, ठीक है। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वो जो यंग गर्ल की तरफ देख रहा था, हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए क्या किया था, इंटरसीड किया था, ठीक है। इंटरसीड का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, क्या मतलब इंटरसीड का, यानी एक तरीके से इंटरवीन करना, ठीक है, जो उसके लिए क्या कर रही थी, हस्तक्षेप कर रही थी, ठीक है। वाई हैड सी डन इट, ये सब इसने क्यों किया था, वॉट कुड द क्रेजी आइडिया भी, ये आइडिया इसके लिए कितना बेकार हो सकता था, यानी उसका फादर एंग्री हो सकता था, ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो सोच रहा था। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रैमशो पास्ड जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, यानी कुल मिलाकर के क्रिसमस की ईव उतनी ही हैप्पीली गुजरी जितनी बाकी पिछले सालों में हुआ करती थी, ठीक है। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप। स्ट्रेंजर ने कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं की क्योंकि उसने कोई और काम किया ही नहीं था सिवाय और सिवाय सोने के, नींद लेने के, ठीक है। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा, पूरे दोपहर वो जो है सोफा पर लेटा रहा। इन वन ऑफ द गेस्ट रूम्स एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, यानी एक ही करवट लेकर के वो लेटा रहा। एट नून दे वोक हिम अप सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर। नून के टाइम पर उन्होंने उसे उठा लिया ताकि वो जो है क्रिसमस के फूड में अपना शेयर ले सके। हियर फेयर मीन्स फूड, ठीक है, FAR, फेयर का मतलब फूड है। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन खाना खाने के बाद फिर से सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट रैमशो। ऐसा लग रहा था कि काफ़ी लंबे सालों से, काफ़ी लंबे टाइम से वो इतना शांति से कभी भी नहीं सोया है और इतना अच्छे से सेफली कहीं भी नहीं सोया जितना कि यहाँ पर रैमशो में आज सो रहा था, ठीक है। रैमशो मैंने पहले ही बताया था आपको, नेम ऑफ द प्लेस है जहाँ पर ये आयरन मास्टर वगैरह ये रहते हैं और जहाँ पर वो अभी स्टे किया हुआ है पेडलर, ठीक है।
इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन एंड ही स्टूड फॉर अ वाइल इन द ड्रॉइंग रूम। यानी इवनिंग के टाइम पर फिर से उन्होंने उसे जगा दिया और वो खड़ा रहा कहाँ पर, ड्राइंग रूम में, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, अपनी आँखों को ऐसे टिमटिमा रहा था मानो कि कैंडल लाइट उसकी आँखों में क्या कर रही हो, चुभ रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, फिर से वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज वंस मोर, 2 घंटे के बाद उसे पुनः जगाया गया। अराउज का मतलब किसी को उठाना, जगाना, ठीक है। ही देन हैड टू गो डाउन इन टू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पोरेज। अब तो उसको कहाँ जाना था, डाइनिंग रूम में जाना था और क्रिसमस पर बनाई गई फिश और पोरेज को खाना था, ठीक है। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। यानी जैसे ही वो खड़े हुए, ही वेंट अराउंड, वो इधर उधर गया, टू ईच वन प्रेजेंट, जो लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे उनके पास गया एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, ठीक है, थैंक यू बोला और गुड नाइट बोला। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही वोर वॉच टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट। यानी जैसे ही वो उस लड़की के पास गया तब उसने उससे हल्का सा इंडिकेशन दिया था, उसे समझाया था कि जिस सूट को वो पहने हुए है पैडलर, उस सूट को वापस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके फादर का इंटेंशन ऐसा है कि वो उसे क्या दिया, किस रूप में दिया गया, क्रिसमस के प्रेजेंट के रूप में दिया गया है, ठीक है। एंड इफ ही वॉन्टेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस यू इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, और हाँ, अगर वो अगली क्रिसमस को एक ऐसे प्लेस पर स्पेंड करना चाहे जहाँ पर वो फील कर सके शांति को, रेस्ट फील कर सके, एंड बी श्योर दैट नो ईवल वुड बी फॉल हिम, कि कोई भी बुरा नहीं होगा उसके साथ में, ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो फिर से उसका क्या किया जाएगा, स्वागत है, वो आ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस लड़की ने इंश्योर करवा दी उसे। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, इन चीज़ों का रेड ट्रैप वाले आदमी ने कोई आंसर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, वो तो बाउंडलेस अमेजमेंट में यानी लिमिटलेस वंडर के साथ में उस लड़की की तरफ देख रहा था कि लड़की देखो मुझे जानती भी नहीं है और मैं इसे जानता भी नहीं हूँ, फिर भी ये लड़की अपने फादर के अगेंस्ट जा करके मेरी हेल्प कर रही है और मुझे सपोर्ट कर रही है, ठीक है। इवन आफ्टर सी न्यू दैट आदर द मैन इज अ थीफ और ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन, तो इसीलिए वो बाउंडलेसली अमेज्ड था। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस। अगली सुबह आयरन मास्टर और उसकी डॉटर जो है अच्छे मूड में उठे टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, यानी अपने सुबह जल्दी में क्या करना चाहते थे, वो पूजा करना चाहते थे, मीन्स दे वर गोइंग टू चर्च, वो कहाँ जा रहे थे, चर्च जा रहे थे। जैसे हम लोग मंदिर वगैरह जाते हैं पूजा करने के लिए, ऐसे क्रिश्चियंस लोग कहाँ जाते हैं, चर्च में जाते हैं, ठीक है। देयर गेस्ट वॉज स्टिल असलीप, उनका गेस्ट अभी भी क्या हो रहा था, सो रहा था, एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया था। वेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, जैसे ही 10 o'clock के समथिंग वो वहाँ से वापस आ रहे थे, द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हैड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजल, यानी जो यंग गर्ल यानी एडला विलमेंसन का चेहरा जो लटका हुआ था, मीन्स सी बिकेम डिजेक्टेड, वो कैसी हो गई थी, डिजेक्टेड यानी सैड हो गई थी, ठीक है, निराश हो गई थी। क्यों निराश हो गई थी, उसका रीजन है, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना इसको। एट चर्च शी हैड लर्न्ड दैट वन ऑफ द ओल्ड क्राफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप्स, क्योंकि चर्च में उसे पता चला था कि रैमजो आयरन वर्क्स का कोई क्राफ्टर, किसी क्राफ्टर को, रैमजो आयरन वर्क्स के किसी क्राफ्टर को क्या कर लिया गया, रॉब कर लिया गया, लूट लिया गया किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो क्या करता है, चूहेदानियाँ बेचता है, ठीक है। अब तो उसे तुरंत समझ आ गया था कि वही व्यक्ति है, क्योंकि उसने उसे क्या दे रखी है, शेल्टर दे रखी है, और व्यक्ति क्या करता है, चूहेदानी बेचता है, और उसका जो इंटेंशन और स्ट्रांग तब हो गया जब उसे उसने वहाँ देखा था उसको सोते हुए, और वो चौंक गया था, डर गया था, तो समझ आ गया कि वो जो मैंने घर में रुकाया है, जो गेस्ट हमारे घर में रुका हुआ है, वही व्यक्ति है जिसने रैमजो आयरन वर्क्स के क्राफ्टर को क्या कर लिया है, लूट लिया है, ठीक है, इसीलिए वो सैड हो गई थी। यस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस सेड हर फादर, हाँ वो तो बहुत अच्छा व्यक्ति है ना जिसको तुमने घर में रख लिया, उस लड़की के फादर ने कहा, यानी आयरन मास्टर ने कहा। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाई दिस टाइम, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कितनी कीमती चीज़ें बची हुई होंगी घर में, ठीक है,
यानी उसे लग रहा था कि जो पेडलर है वो सारी चीज़ों को चुरा करके ले गया होगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैली वेदर द स्ट्रेंजर्स वर स्टिल देयर। यानी वैगन जो मुश्किल से रुकी ही थी घर की सीढ़ियों के सामने, तभी जो आयरन मास्टर ने वैले से पूछा कि क्या वो स्ट्रेंजर चला गया या वहीं है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च दैट द मैन वॉज अ थीफ। उसने आगे ये भी कहा था आयरन मास्टर ने कि उसको चर्च में पता चला था कि वो व्यक्ति एक चोर था। द वैले आंसर दैट द फेलो हैड गॉन एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनी थिंग विद हिम एट ऑल। वैले ने आंसर दिया कि वो आदमी जा चुका था, चला गया है, और वो अपने साथ में कुछ भी लेकर के नहीं गया है। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके बावजूद, ठीक है, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस वेलमैनसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज अ क्रिसमस प्रेजेंट। बदले में वो क्या करके गया, एक पैकेट छोड़ करके गया, एक पैकेज छोड़ करके गया है जिसकी ये कह के गया है कि कृपा करके मिस विलमेंसन इसको क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लें एक क्रिसमस प्रेजेंट के रूप में। ठीक है, द यंग गर्ल ओपन्ड द पैकेज। यंग गर्ल ने पैकेज को क्या किया, ओपन किया, विच वॉज सो बैडली डन अप, जो इतना बड़ी ही टाइट तरीके से कस करके बंधा हुआ था, दैट द कंटेंट्स केम आउट, दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, के तुरंत ही उसका जो कंटेंट था एकदम से खोलने के साथ बाहर आ गया। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, उसने एक जो लिटिल क्राई ऑफ जॉय दी, यानी जोर से हंसी। अंडरलाइन कर लिया, वाई डिड सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो इसीलिए दी थी, क्यों, देखिए, सी फाउंड अ स्मॉल रैट ट्रैप, उस पैकेज के अंदर उसे क्या मिली, एक रैट ट्रैप मिली, एंड इन इट ले थ्री रिंकल्ड 10 क्रॉनर नोट्स, और उसमें 3 मुड़े हुए 10 क्रॉनर के नोट्स थे, यानी वही 30 क्रॉनर थे जो उसने चुराए थे कहाँ से, क्रॉफ्टर के यहाँ से। ठीक है, बट दैट वॉज नॉट ऑल, यही इतनी ही चीज़ें नहीं थी, बस और भी चीज़ें थी। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो अ लेटर रिटन इन लार्ज जैग्ड करेक्टर्स, उस रेड ट्रैप के अंदर एक लेटर भी था जो जिग जैग करेक्टर में लिखा हुआ था। ठीक है, ये लेटर देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट वॉज द कंटेंट ऑफ द लेटर, तो ये है। ठीक है, ऑनर्ड एंड नोबल मिस सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, आप इतनी अच्छी रहीं मेरे लिए, ठीक है, दिन भर, एज इफ आई वॉज अ कैप्टन, मानो कि मैं क्या हूँ, कैप्टन हूँ, आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू इन रिटर्न, बदले में मैं आपके लिए अच्छा ही बनना चाहता हूँ, एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, मानो कि मैं रियल कैप्टन हूँ, फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई अ थीफ, क्योंकि मैं ना क्रिसमस के सीजन पर, क्रिसमस के फेस्टिवल, आपको एक चोर के रूप में एम्बेरस नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने देना चाहता एक चोर के रूप में, बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, लेकिन आप जो है रोड के सहारे रहने वाले उस ओल्ड व्यक्ति को इस मनी को वापस दे सकते हैं। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, यानी हु हैज़ द मनी पर, जिसके पास मनी का पाउच है हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर पुअर वांडरर्स, यानी एक बेट के रूप में उसने लटका रखा है हम जैसे वांडरर्स के लिए, ठीक है, घुमक्कड़ों के लिए। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, यानी एक रैट की तरफ से ये रैट ट्रैप आपके लिए क्रिसमस के प्रेजेंट की तरह है। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रैट ट्रैप, जो यानी एक उस रैट की तरफ से है जो इस वर्ल्ड रूपी रैट ट्रैप में फंस चुका था। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर वो कैप्टन नहीं बना होता, ठीक है, अगर उसे कैप्टन नहीं समझा होता, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि इस तरीके से उसे ताकत मिल गई थी अपने आप को क्लियर करने की, अपने आप को सही साबित करने की। रिटर्न विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन्सडेल, एंड यानी एट द एंड ऑफ द लेटर द पेडलर साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन्सडेल, क्यों भाई ऐसे साइन क्यों किए थे, बिकॉज दे आर एट द हाउस ऑफ एडला विलमेंसन एट द हाउस ऑफ आयरन मास्टर द मैन वॉज ट्रीटेड एज कैप्टन, हैंस ही पुट हिज सिग्नेचर एज कैप्टन वॉन्सडेल, दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। फाइन, थैंक यू।